गया और। तो बच्चों ये तो रही है सो, और आज सफाई करते करते ना इसके कमरे की, मैंने सोचा आज इसके बैग को जरा देख, क्योंकि इसके ना मुझे तेवर सही नहीं लग रहे। कम से कम एक साल से तो ऐसे उड़ रही है ना, जब से कॉलेज में गई है ना ऐसे उड़ रही है जैसे ओहो कहाँ चली गई मतलब। और आज मैं इसका बैग चेक करने वाली हूँ तुम लोगों के सामने, ताकि तुम्हें भी तो पता चले तुम्हारी दोस्त के बारे में। अभी चेक करती हूँ उसका बैग और तुम्हें भी बताती हूँ, आज इसके बैग से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए इसको मैं घर से निकाल दूंगी। इसके बैग से कुछ उल्टा सीधा निकला और इसे घर से निकाल दूंगी। वैसे मुझे इस पे शक भी है क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, मुझे पक्का पता है इसके बैग से उल्टा सीधा निकलना ही है कुछ, और मेरे दिमाग में उबाल आएगा और इसकी एंट्री घर से बाहर, एंट्री घर से बाहर है इसकी, मैं बता रही हूँ। तुम लोग भी आओगे ना तब भी मैं इसे अंदर नहीं लूंगी घर में, ये बाहर ही रहेगी घर से। देखते हैं चलो, जिसका डर था वही हुआ, ये निकला इसके बैग से कान पे लगा के पूरा टाइम इधर से उधर घर में घूमती रहेगी, यहाँ से वहां बस। और कान पे इसे ऐसे लगाती है ना कि हमारी आवाज नहीं जाती इसे, बिल्कुल भी आवाज नहीं जाएगी इसे, दुनियादारी से मतलब ही नहीं है कुछ। वो नहीं है क्या बोलते हैं वो, भाड़ में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वाली हरकत है इसकी। इसे इसलिए लगाती है ताकि इसे लोगों की आवाज ना आए और इसे कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलती रहूंगी, मैं तो पागल हूँ ना, बोलती रहना है मुझे इसके पीछे, इसे कुछ सुनना नहीं है, बस इसे लगा के घूमती रहेगी। इसको तो मैं किसी दिन औग लगा दूंगी, कॉलेज भी लेके जाती है इसको, आज इसे उठने दो, मौत तो इसकी पक्की है। ये दिन तो देखना रह गया था मुझे इस इसके बैग से, इस नालायक के हराम खोर के बैग से ये टेडी बियर्स निकलेंगे। हे भगवान कैसी नालायक, एकदम बेवकूफ नकारा औलाद दी है मुझे, कि मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं, टेडी बियर निकल रहे हैं इसके बैग से। ये दिन देखने के लिए तो मैंने इसे पैदा किया था, आज आने दो इसके बाप को और इसको उठने दो आज। ये दोनों ने ना मिलके मेरे सर में दर्द कर रखा है, इतना परेशान हूँ मैं इन दोनों से, क्योंकि ये ऐसी थोड़ी इतना बिगड़ गई, ऐसी थोड़ी टेडी बियर और हेडफोन्स निकल रहे हैं इसके कॉलेज के बैग से, इसके बाप की वजह से हो रहा है ये सब। इसके पापा है ना, उनको मैं इतना समझाती हूँ कि थोड़ा सा इतना भी लाड प्यार सही नहीं रहता है इस उम्र में, थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, पर नहीं बिल्कुल लाडली हो रखी है ना अपने पापा की, आज इन दोनों को बताती हूँ। हे भगवान, काश कोई कॉपी कोई पेन निकल जाता इसके बैग से ना, पर खैर चश्मे निकलेंगे, चश्मे और चश्मा भी तो देखो इसका, मतलब चलो कोई काला कूला चश्मा होता अच्छा सा चश्मा, पीले कलर के तो चश्मे ले रखे हैं, और ये कैसे है अजीब सा चश्मा, ऐसा कोई चश्मा होता है बताओ, ऐसा कोई चश्मा होता है, ऐसा चश्मा होता है कोई, तुम्हें तो पसंद आएगा ही ना अगर अच्छा भी लग रहा होगा तो, तुम खुद इसके जैसे हो, इसके दोस्त भी तो इसके जैसे ही है, और आधों को तो इसने खुद ही बिगाड़ा होगा क्योंकि इसकी खुद की हरकतें ऐसी हैं। चलो कुछ तो ठीक निकला इसके बैग से, ये पाउच मैंने ही दिया था इसको कि ताकि इसमें अपने पैसे रख सके, क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है, इतना बड़ा बैग है इसमें ऐसी डाल देगी और बाद में हमसे आगे बोलेगी कि पैसे दे दो, पैसे मेरे पता नहीं कहाँ चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि हमने तो पेड़ लगा रखा है पैसों का, जब महारानी साहिबा मांगेंगी हम इनको दे देंगे इनके हाथ में, है ना। शर्म कहीं की बिल्कुल अकल नहीं है इस लड़की में, बिल्कुल इसे शर्म नहीं आती है, इसमें भी पैसे नहीं है, चिल्लड़ बची है बस, इसके पास पैसे नहीं होंगे इसमें, ये देखो चिल्लड़ बची है, क्योंकि मैडम खर्ची इतना करते सारे पैसे उड़ा दी होंगी इसने, इसलिए मैं इसे गिन गिन के देती हूँ, और इसलिए मेरे से नहीं लेती, मेरे से बड़ी मुश्किल से लेगी जब पापा घर पे नहीं होंगे, इसके अपने बाप से जाके लेती है पैसे, और इसके पापा वो तो इससे बिना कुछ पूछे कुछ भी नहीं पूछते, ऐसे बिना अंधों की तरह ऐसे इसको पैसे दे देंगे कि मतलब पूछे कि किस लिए चाहिए कुछ हिसाब ना, बड़ा बिल्कुल ऐसे ही दे देते, बिल्कुल लाडली है ना, ऐसी बिगड़ेगी। और फिर चलो कंघा निकला इसके बैग से, कंघा तो होना ही चाहिए, चलो कोई बात नहीं, बाल वाल बनाने के लिए जरूरत पड़ी जाती है लड़कियों को कॉलेज में देना। चलो एक कॉपी तो इसके बैग से कम एक कॉपी, मतलब मेरे दिल को इतनी ठंडक मिली है ना ये कॉपी देख के, मतलब यही उम्मीद थी मुझे, ये कॉपी पढ़ने के लिए थोड़ी लेके जाती है, ये कॉपी तो ऐसी ले जाती है फॉर्मेलिटी के लिए, जो कॉपी जो मिला उठा के चल दिए, क्योंकि कुछ पढ़ना पुढ़ना है नहीं इन्हें। ये कॉपी भी देखो इसकी,
क्या करूं मैं इस नालायक का। हे भगवान, आपको भी शर्म नहीं आई ऐसी औलाद मुझे देते हुए? बिल्कुल सर में दर्द कर दिया इस लड़की ने, और ये हालत देख के तो मैं और मन कर रहा है इसको जहर दे दूं मैं। पर क्या कर सकते हैं, दे भी तो नहीं सकते ना जहर, अपनी औलाद है और मैं भी बेचारी ठहरी एक माँ, क्या ही कर सकती है। एक माँ डांट लेंगे, एक दो थप्पड़ मार दूंगी इसको, इससे ज्यादा क्या ही कर सकती हूँ, है ना। हूँ तो मैं भी माँ, मार तो सकती नहीं से जान से। और क्या है इसके बैग में देखूं? चलो ये तो कॉलेज आईडी कार्ड, थैंक गॉड इसके पास कॉलेज आईडी कार्ड है। चलो कम से कम कॉलेज आईडी कार्ड तो है, मुझे उतनी लग नहीं रहा था इसके बैग से निकलेगी। इसकी हालत देख के, कॉपी की भी हालत देख के, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसके बैग से ये सारी चीजें निकलने वाली। हाय राम, ये चूड़ी जैसे, ये क्या बोलते हैं इनको, चूड़ी जैसे कुंडल पहन लेती है ये, चूड़ी जैसे ये, मतलब इसकी जो छोटी बहन है ना उसके हाथ में आ जाएंगे ये मेरे हाथ में आ जाएगा, मैं बता रही हूँ। इतने बड़े बड़े, ये नहीं कि छोटे छोटे, ये टॉप्स पहनते हैं छोटे छोटे, इतने प्यारे लगते हैं बच्चों पे। पर नहीं, इनको तो चूड़ियाँ पहननी है हाथ में, देखना मेरे हाथ में आ गया ये, और ये इसको कान में लटकाती है। क्या करूं मैं इसका, इसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है, कुछ भी करती है ये लड़की, कुछ भी। चलो ठीक है, लिपस्टिक इतनी बड़ी तो हो गई कि लिपस्टिक लगा लो, वो भी पिंक कलर की है, लड़कियां पिंक कलर की लिपस्टिक लगा लेती हैं, लाइट पिंक कलर अच्छा लगता है, नेचुरल है। मैं भी तो कहूँ मेरी लिपस्टिक है कहाँ, दो दो लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक मेरी है। इसके ना बातों में मत आना कि मेरी है, मेरी फैन ज्यादा कॉलेज में जाके ज्यादा बनती होगी ना दोस्तों के सामने। इसकी सिर्फ ये लिपस्टिक है, और वो भी ये मैंने इसे ला के दी थी, इसने बोला था तो लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, ताकि हाँ चलो लड़कियां लगाती हैं आजकल, ठीक है। पर ये मेरे लिपस्टिक कहाँ लेके घूम रही है, मैं पता है इसे कब से ढूंढ रही हूँ। इस लड़की के मुंह से जवान नहीं फूटी कि ये मुझे बता दे कि इसके पास है, क्योंकि इसे पता है अगर मुझे पता चला कि मेरी लिपस्टिक लेके घूम रही है तो इसकी क्या हालत होगी। इसलिए आज इसे उठने दो, मैं बता रही हूँ आज इसकी खैर है नहीं, आज इसकी खैर है नहीं, बचेगी नहीं आज मेरे हाथों से। रिंग्स, रिंग्स निकल रही है इसके बैग से, मैं भी तो देखू किससे एंगेजमेंट करती फिर रही है, किससे हो रही है इसकी बातें। ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, आज मैं बताती हूँ, मैं इसकी खट्टी ना बात करवाती हूँ। चलो क्लेचर, क्लेचर तो नहीं चाहिए, गर्मी इतनी हो रही है, बाल बाल बाल। इसके बैग से सिर्फ दो तीन चीजें निकली है जो बैग में होनी चाहिए, बाकी इसके बैग से सारी ऐसी चीजें निकली है ना जिसपे इसे घर से 6 बार निकालना चाहिए लगातार, और निकले नहीं तब भी जबरदस्ती घर से निकाल देना चाहिए इसे। तो मैं पता है सोच रही हूँ लीगली ना इसे लिखवा दूँ, ये मेरी औलाद नहीं है, भगवान ऐसी संतान जो मुझे ये टेडी बियर, ये रिंग्स वाले दिन देखने पड़ रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर देना, चलो जिंदगी में कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो सही, कुछ तो कर लेगी। वैसे मन तो नहीं कर रहा इसको ऐसा कहने का भी इसके लिए, बट क्या कर सकते हैं, अपनी औलाद है, झेलनी हमें ही है, और कौन झेलेगा इसे, अब पैदा किया है तो झेलना भी पड़ेगा। मुझे शर्मिंदगी तो हो ही रही है, ऊपर से मुझे इस पे तरस आ रहा है कि क्या होगा इसका। चलो कोई बात नहीं, इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक लुक कर देना। चलो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, मुझे और भी बहुत काम है, और आज इसकी मुझे खैर भी लेनी है। अभी उठाती हूँ जाके इसको, महारानी साहिबा सो रही होंगी ना, अभी उठाती हूँ जाके।